Himanshu, taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Today I'm going to start economics for class plus one students. So let's start with introduction to microeconomics. Some of the synopsis of today's class will be meaning of goods, services, individual and resources. And then second topic will be meaning of economics. Third topic will be economy. Fourth is types of economy, organization of economic activities. Fifth will be what are the economic problem, why economic problem arise, central problem of economy, production possibility frontier, positive and normative economics, microeconomics and macroeconomics. बच्चों टोटल 10 ऐसी बेसिक चीजें हैं जो माइक्रो के बारे में आपको पता होनी चाहिए. इनमें से 7 टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करेंगे, 3 टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. वीडियो के ड्यूरेशन को 20 मिनट का रखने के लिए ये जरूरी था. तो 7 टॉपिक आज सीखेंगे. बी पेशेंट, पूरा वीडियो देखो, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है टू लर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की टर्म्स. फर्स्ट इज गुड्स. गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इट मीन्स फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट used to satisfy people want and need. Physical होना चाहिए, tangible होना चाहिए. Tangible means those object which you can touch. For example, table. अब table को हम touch कर सकते हो, table हमें utility भी देता है. आप table का काफी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो. तो वो एक goods की definition में qualify करता है. Second होता है services. Services का मतलब होता है बच्चों intangible satisfaction of want and need. Intangible means जो दिखाई नहीं देता. For example, आप restaurant में जाते हो, आपको बैठे बिठाई सारा food मिलता है, आपके टेबल तक सर्विस की जाती है प्रोडक्ट्स की, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस, इनटेंजिबल सेटिस्फेक्शन. थर्ड विल बी, फर्स्ट है गुड्स, सेकंड सर्विसेज, इजी थे दोनों. थर्ड है बच्चों इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब आपको पता होगा, लेकिन आज आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सीखोगे. पढ़ते हैं पहले इसको. इट मीन्स इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ ग्रुप लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म एक्सेट्रा. अब हमें क्या पता था सर, इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन, जैसे आप मैं हम इंडिविजुअल्स हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स में बच्चों इंडिविजुअल सिर्फ एक इंसान को नहीं कहते. अगर आप कोई ऐसा यूनिट हो जो मिलकर डिसीजन लेता है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली एक हाउस होल्ड है, मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो आप सब एक इंडिविजुअल हो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और सारे पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो भी आप इंडिविजुअल हो फॉर इकोनॉमिक्स. सो इंडिविजुअल में जरूरी नहीं पर्सन अकेला हो, इट कुड बी अ ग्रुप लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म. नेक्स्ट इज रिसोर्स. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसी सब चीजें जिनसे आप प्रोडक्शन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने एक नई मशीन खरीदी, मशीन आपने प्रिंटिंग प्रेस में लगा दी. अब उससे आप किताबें प्रिंट करते हो, उससे आप पैम्फलेट प्रिंट करते हो, उससे आप पोस्टर प्रिंट करते हो. ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है? क्योंकि आपने मशीन पे इन्वेस्टमेंट की है. तो ऐसे गुड्स जो आगे प्रोडक्शन में आपको हेल्प करें और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, उनको हम बोलते हैं रिसोर्स. अब प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो मशीन उन्होंने अपनी प्रेस में इंस्टॉल की है, वो उनके लिए रिसोर्स है, क्योंकि उसकी हेल्प से वो आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो 4 चीजें सीखी आपने, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, इंडिविजुअल एंड रिसोर्सेज. अब बच्चों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको समझना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्लस वन में आपको पहले इकोनॉमिक्स को सीखना है, फिर ही आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझोगे. तो इकोनॉमिक्स को समझते हैं पहले. Economics is concerned with study of economic problem that arise because human wants are unlimited, resources are limited, and these resources have multiple uses. देखो बच्चों सिंपल सी बात है, आप एक मिनट में समझ जाओगे, आपको सुनना है जस्ट. इकोनॉमिक उस चीज को कहते हैं, उस प्रॉब्लम की स्टडी को कहते हैं जो प्रॉब्लम अराइज होती है बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इन सभी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. अब आपको दिमाग लगाना है कि आपको इनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ. आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये का मल्टीपल यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी वॉन्ट्स इतनी ज्यादा है जो 100 में पूरी नहीं हो सकती. फिर भी आप कोशिश करोगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए. 100 रुपये का बेस्ट यूज करो आप, और 100 रुपये के मल्टीपल यूजेस हैं. तो 3 बातें निकली इस एग्जाम्पल में से. फर्स्ट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सेकेंड, wants are unlimited. Third, these resources have alternative uses. So how to use these resources? और इस problem को study करने को हम बोलते हैं economics. अब economics में एक extension भी है.
इकोनॉमिक्स फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक्स कहता है कि इन रिसोर्सेज का ना आप रैशनल मैनेजमेंट करो। रैशनल का मतलब होता है समझदार, समझदारी से इस पैसे का इस्तेमाल करो, सो दैट आपका मैक्सिमम मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हेंस इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को दिमाग में रखते हुए कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, फिर भी उनका ऐसे इस्तेमाल करना कि आपके सबसे ज्यादा वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो जाए इन लिमिटेड रिसोर्सेस में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सो ब्रीफ में अगर समझना हो तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज का यूज मल्टीपल है, इसीलिए रैशनल यूज करना, दिमाग लगा के यूज करना, सो दैट हमारे रिसोर्सेज से हमारी मैक्सिमम जरूरतें पूरी हो जाएं, उनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। अब बच्चों इकोनॉमिक्स के बाद आपको समझना है कुछ बेसिक चीजें और हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होता है? पहले तो ये समझो इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इकोनॉमी क्या होता है? सिस्टम जिसमें लोग अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सिस्टम इन विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स थ्रू फोर प्रोसेसेस। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजप्शन, थर्ड विल बी इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ विल बी एक्सचेंज। तो इन चारों का इस्तेमाल करके आप अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करोगे, ऐसे एक सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अब समझते हैं इन चारों का मतलब। फर्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बच्चों क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इट इज प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इजी है वो, हर एक प्रोसेस जिसमें आप कोई यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से वेजिटेबल्स परचेज की, वेजिटेबल्स की हेल्प से बच्चों आपने एक अच्छी सी डिश प्रिपेयर की, ठीक है, कुछ खाने को अच्छा सा फूड प्रिपेयर किया, उस प्रोसेस को भी प्रोडक्शन बोलेंगे, जिसमें इनपुट्स को आप गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इज नोन एज प्रोडक्शन। सेकेंड है बच्चों कंजप्शन। कंजप्शन में आपने क्या मतलब समझना है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर कंप्लीटली यूज्ड अप। अब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बना के दे रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर से, तो हम उसकी कंजप्शन कर रहे हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंप्लीटली यूज करना। आपने मार्केट से जाके कोई चीज परचेज की, शॉपिंग की, अब उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लोथ्स परचेज किए, तो क्लोथ्स को पहन रहे हो, कंप्लीटली यूज कर रहे हो उसका, तो आप इसको बोलोगे आप कंजप्शन कर रहे हो, और जिसने बनाया उस क्लोथ को वो प्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कमिटमेंट। आप अपना पैसा कमिट कर रहे हो टू अर्न द फ्यूचर इनकम। पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में FD करा दो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दो, आपको वहां से इनकम आएगी, या फिर आप उसको पैसे को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा दो, कोई मशीन परचेज कर लो जिससे आप प्रोडक्शन करके पैसा कमा सकते हो, तो दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कुछ पैसे का कमिटमेंट कर रहे हो फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए। फोर्थ है बच्चों एक्सचेंज। दिस इज फोर्थ कॉम्पोनेंट। इट मीन्स प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ कंसिडरेशन। आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, इसको एक्सचेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी शॉप पे जाके पेन परचेज किया, तो अब आपने उसको एक्सचेंज पे पैसा दिया, उसने आपको पेन दिया, तो ये एक्सचेंज जो हुआ जिसमें ओनरशिप जो पेन की थी अब आपके पास है विद एक्सचेंज ऑफ मनी, इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज, जिससे ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर से बायर तक। सिंपल था, सेल को भी एक्सचेंज बोलेंगे, तो इकोनॉमिक्स में इसको आप एक्सचेंज बोल देना, जनरल टर्म में इसको हम सेल बोलते हैं, जिससे ओनरशिप बायर तक पहुंचती है फ्रॉम अ सेलर फॉर अ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन क्या होती है? मनी। चार कंपोनेंट है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के ये चार कंपोनेंट है। अब बच्चों आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी बच्चों तीन तरह की होती है। पहले आपने समझे व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कितने तरह के सिस्टम होते हैं? तीन तरह के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी,
सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, थर्ड विल बी मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत देश इंडिया किस में आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब समझते हैं इनका मतलब। पहले तो बच्चों मार्केट इकोनॉमी के दो और नाम है, आपको ये पता होने चाहिए। एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पूछ लें, मतलब मार्केट इकोनॉमी ही है। फ्री इकोनॉमी पूछ लें तो भी मार्केट इकोनॉमी है। मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड थ्रू मार्केट। फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी। अब बच्चों अगर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, प्रोडक्शन का डिसीजन, कंजप्शन का डिसीजन, एक्सचेंज का डिसीजन, हम मार्केट पे छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसकी प्रोडक्शन करो, जिस प्रोडक्ट की सप्लाई कम है उसकी प्रोडक्शन करो, जो लोगों को ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगता है वो बनाओ प्रोडक्ट, मार्केट पे छोड़ दो सारा। तो ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। सेकेंड होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं और कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें बच्चों सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे आप, कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाएगा, तो उस इकोनॉमी को बोलेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ये फ्री बिल्कुल नहीं है, इसमें सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। अब आ जाओ मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स के बच्चों नाम से पता चल रहा है जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा, जिसमें थोड़े डिसीजन गवर्नमेंट पे होंगे और कुछ डिसीजन हम लेंगे, प्राइवेट फर्म्स डिसीजन लेंगी। तो ये इंडिया, इंडिया में ऐसे होता है कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के पास रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड इम्यूनेशन, जितने भी जो हथियार बनते हैं, जितने भी, या कह लो अब रेलवे की एग्जाम्पल ले लो, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। लेकिन जो बाकी के डिसीजन है, बाकी की प्रोडक्शन है, गुड्स सर्विसेज है, वो कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज। तो दोनों का मिक्सचर इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अ कंपनी इन सॉरी अ इकोनॉमी इन विच सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड थ्रू द मार्केट, दोनों का बैलेंस। तो तीन तरह की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में छुपी हुई थी, अब इसको रीड करना, देखना आप उससे कनेक्टेड फील करोगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज है पहली प्रॉब्लम, अब उसके रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज है दूसरी प्रॉब्लम। अब हमें डिसाइड करना है ना कि कौन सा यूज किस प्रोडक्ट का किया जाए। तो इससे तीन तरह की प्रॉब्लम निकल के आई। फर्स्ट इज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, प्रॉब्लम तो इसीलिए ना ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इन वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, सेंट्रल फोकस होता है जिस पे हमारा। व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, इंफीरियर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, या फिर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ये पहली प्रॉब्लम, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सब तो बन नहीं सकता ना, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो किस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, क्या हमारी प्रायोरिटी है? पहली प्रॉब्लम व्हाट इज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सेकंड हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, आप इसको कौन सी टेक्निक से बनाओगे, लेबर इंटेंसिव या मशीन से बनाओगे, कैपिटल इंटेंसिव, ज्यादा लेबर लगानी है ज्यादा ज्यादा मशीन लगानी है, तो टेक्निक कौन सी होने वाली है, ये भी प्रॉब्लम है। सेकेंड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है। फोर्थ वन इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग से क्वेश्चन बनता है, उसका मतलब समझो बच्चों, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि उससे फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि ऐसे फैक्ट्री को बनाओ कि उससे पोल्यूशन ना हो, तो अपने बारे में ना सोचो,
आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचो, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। एक बार रीड पे कर लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। प्रेजेंट में आप ऐसे अपने रिसोर्सेज का यूज करो, अपनी जरूरतों को ऐसे पूरा करो जिससे फ्यूचर जनरेशन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम आए। सिंपल से एग्जाम्पल हो, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन अगर होगा तो एक डेवलपमेंट का फायदा नहीं है, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समझने के लिए आप पोल्यूशन की एग्जाम्पल को याद रख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने कौन से टॉपिक रिवाइज किए, कौन से टॉपिक समझे, वो एक बार समरी करते हैं फिर से उसकी रिवाइज। फर्स्ट बच्चों, हमने की टर्म्स को समझा, गुड्स, टेंजिबल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, सर्विसेज, इनटेंजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट एंड नीड, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट को कहते हैं, इट कुड बी अ हाउस होल्ड, फॉर्म, रिसोर्सेज, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स उस प्रॉब्लम की स्टडी को कहते हैं जिसमें ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूजेस। सो इसका रैशनल मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम को कहते हैं जिसमें लोग अपनी लिविंग को पॉसिबल करने के लिए, पीपल गेट लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स। चार इसके कॉम्पोनेंट होते हैं, चार तरीके होते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज एक्सचेंज। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंजप्शन मीन्स कम्प्लीटली यूज अप करना उस प्रोडक्ट को, इन्वेस्टमेंट पैसा कमिट करना टू अर्न फ्यूचर इनकम, फॉर एग्जाम्पल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दो या मशीन खरीद लो। एक्सचेंज का मतलब होता था सेल। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी टाइप ऑफ इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी तीन थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सारे डिसीजन मार्केट पे छोड़ दिए जाते हैं, सेंट्रली प्लान में सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, और मिक्स में दोनों का बैलेंस होता है। एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन वजह से आती है, फर्स्ट इज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सेकंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, थर्ड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी है, चार। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस दिस गुड्स, थर्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस द गुड्स, फोर्थ इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये थी बच्चों आपकी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन की पहली 7 टर्म्स। अब जो तीन टॉपिक आपके बाकी के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट में लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट है, आप डेमो क्लासेस भी लगा सकते हो, और जितना भी बच्चों हम लाइव में आपको पढ़ाएंगे उसका सारा रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा। ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क अगर आप क्लास को नहीं अटेंड कर पाते हो तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी अटेंड कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमारी कोचिंग ऐप कॉमर्स क्वेस्ट के नाम से प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।